खरगोन आबकारी अमले ने शुक्रवार को अवैध शराब की बड़ी खेप तस्करी होने से पहले पकड़ने में सफलता हासिल की है। अमले ने सेगांव जनपद के ग्राम सानवी के बीजागढ़ रोड पर दबिश देकर पिकअप वाहन से 3,50,000 रुपए कीमत की करीब 99 पेटी शराब जब्त की है, जिसमें देशी विदेशी शराब शामिल है। सहायक आबकारी अधिकारी सजेंद्र मोरी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर बीजागढ़ रोड पर टीम बनाकर भेजी गई। यहां पिकअप क्रमांक MP13GA9207 आते दिखाई देने पर जब उसे रोकने का इशारा किया तो चालक ने वाहन की गति बढ़ा ली। टीम ने पीछा किया तो चालक वाहन छोड़ फरार हो गया। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें से 70 पेटी बियर और 29 पेटी देशी शराब की बरामद हुई। शराब को वाहन सहित जब्त किया है। ये शराब कहां से लाई जाकर कहां ले जाना था, इसकी जांच कर रहे हैं। खरगोन से शाहिद खान की रिपोर्ट। द्वारा सूचना दी गई कि ग्राम से गांव में बीजागढ़ रोड पर अवैध रूप से शराब लेकर कोई वाहन आ रहा है। उस पर कार्रवाई तो हमने अलग अलग टीमें बनाई और मौके पर लिए रवाना हुआ। जब हम मौके पर पहुंचे तो हमें सांगवी से बीजागढ़ रोड पर एक पिकअप आता हुआ देखा। जब हमने उसको हाथ के इशारे से रोका तो रुका नहीं, थोड़ी दूर आगे जाके रोका और रोकने के बाद ड्राइवर मौके से निकल गए और उसने पीछा के पकड़ में ही आया। फिर वाहन की तलाशी लेने पर हमको 99 पेटी अवैध शराब बरामद हुई, जिसमें देसी और विदेशी मदिरा बियर है, जिसका अनुमानित मूल्य 3.5 लाख रुपए है। और अभी योजना की जा रही है कि गाड़ी किसकी है, मौके से कौन फरार हुआ, ये योजना कर रहे हैं। अभी ये योजना कर रहे हैं, कहाँ से आई थी कहानी, अभी योजना कर रहे हैं, इसके बारे में हम आपको अलग से बताएंगे। ये सांगवी में बीजागढ़ रोड पर कार्रवाई तो लगातार हो रही है खरगोन जिले में, और अभी भी हम और प्रभावी कार्रवाई करेंगे। अगर आपके पास इस संबंध में कोई सूचना है तो आप हमसे शेयर करें, हमें कार्रवाई करने में और अच्छा रहेगा। क्या नाम? सजेंद्र मोरी, सहायक जिला आबकारी अधिकारी खरगोन।